आपका अपना सिंगर प्रकाश मांडव वाले। तो गाइस बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाला है ये। तो मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आपको दिखाते हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो कि मांडू में स्थित है। तो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में भी फैला दो। तो गाइस 1 लाख व्यू कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। तो गाइस अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में फैला दो। तो गाइस बहुत ही बढ़िया मेरा न्यू सॉन्ग आने वाला है, 1 तारीख को डल जाएगा वो यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो गांव के नाम से आधारित है वो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये है अपने परमात्मा बाबा भोलेनाथ की नगरी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो कि मांडू में स्थित है गाइस। तो आपको जल्द से जल्द प्रभु के दर्शन करना है, बहुत ही बढ़िया बाबा के चरण स्पर्श करना है, आपको जो चाहे वो मानता भी मांगना है आपको। तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो कि मांडू में स्थित है, तो गाइस पहाड़ी के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है बाबा भोलेनाथ का। बाबा बर्फानी नाथ यहाँ पर विराजमान है। तो गाइस आपको जल्द से जल्द नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर आना है और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु को आपको लाना है साथ में और दर्शन कराने बाबा भोलेनाथ के। तो कई बार क्या होता है कि आप मांडू ज़रूर आते हो तो आप क्या है कि राजा महाराजाओं की नगरी मांडू क्षेत्र आप ज़रूर देखते हो पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं करके जाते हो। तो यही तो है बाबा भोलेनाथ की नगरी जिसको आप चरण स्पर्श करो बाबा भोलेनाथ के। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो गाइस। तो गाइस मेरे चैनल पे डलेगा एक न्यू सॉन्ग है मेरा। तो गाइस बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का जो कि बहुत ही पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है गाइस। तो आपको वीडियो में बने रहना है और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो व ऐसी राजा महाराजाओं की नगरी मांडू क्षेत्र की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी फैला देना। तो जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।